काफ़ी लोगों ने इसका भी लिंक मांगा था, इस बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, मैं बार बार भूल जाती हूँ। ये बंदे बाबा चलते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज संडे और आजकल हमारी मॉर्निंग कुछ ऐसी होती है। एक सेकेंड, ये इसका बट शक्ल इसकी यहाँ कहाँ गई, यहाँ पे, यहाँ पे, या तो ये सोती है यहाँ पे, या ये सोती है यहाँ पे, और या यहाँ पे, और या इस वाले पिलो पे। मतलब मुझे लगता है हम दोनों को हो ये फिर सो गए, इतनी मुश्किल से उठा रही थी। सिर्फ 1 घंटा रह गया है। ऐसे सुबह पहले से सोमन किया जाता है, फिर ये उठती है। जो इसे कुत्ता कहता है ना, हम उसे कहते हैं देखो एक बार ये कुत्ता है या प्रिंसेस है हमारी, है जीजी? ओके सो आज संडे स्पेशल इसलिए, वैसे तो संडे का व्लॉग मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि संडे को हम कुछ भी नहीं करते और 2-3 बजे तो उठते हैं, बट आज थोड़ा जल्दी उठे हैं क्योंकि रीज़न वैसे थंबनेल में या आपने देख लिया होगा ना थंबनेल में, तो मंचन आ रहे हैं। आई एम एक्साइटेड, मतलब मे बी कबीर भी आएगा ना, ऑफकोर्स। ही और कुकू पहली बार मिलेगी उनसे। जीजी नो किसिंग्स, नो नो। खाना नहीं है उन्होंने, डराना है बस। दीदी ने आज नई नई करनी मक्खियाँ। दीदी एक्सप्रेशन इतने क्यूट है ना। अच्छा तू ही करो, किसी और करे तो गलती। मैं सिर्फ प्रिटेंड ही था कि मैं कर रहा हूँ। तूने भी प्रिटेंड करता? नो उन्हें करती फिजिकली हो जाती है। ब्रश भी कराने आज। चलो गेट अप जवानी। बड़ा पर हो गया हूँ तू। हाँ हम तो 15 किलो दी होगी, 15 तो भी ज़्यादा होगी है नहीं। इस मेरे पुट 17 kg से लगी है इस टाइम, 17 to 20 के बीच बीच। अभी ना अचानक बेड सेट करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल इतने सही लग रहे हैं, मतलब जस्ट मैं सो के उठी हूँ और इतने मैनेजेबल हैं इस टाइम। मुझे ना मैनेजेबल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इस टाइम मैंने किसी ब्लॉग में मेंशन नहीं किया, बट मैंने कैरेटिन करवाया, परसों रात को करवाया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने न्यू लुक से करवाया गुरदासपुर। तो क्या सीन था कि उनके वहाँ पे फंक्शन था कैरेटिन का, तब करवाया था। आप लोग अगर जा सकते हो, ऑफर्स काफ़ी सारे चल रहे होते हैं उस टाइम जब उनका कोई ऐसे जैसे कैरेटिन डे होता है, फेशियल डे होता है, तो उसमें, तो मैंने उसमें करवाया था। काफ़ी लेट हो गई थी, मैंने उस दिन व्लॉग नहीं किया था, इसलिए वो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा किसी मतलब मैंने एक वीडियो बनानी है, समथिंग माय परमानेंट ट्रीटमेंट्स एंड माय टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, तो मैं उसमें आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफली। बट अभी मुझे इतने अच्छे लगे ना, मैंने कहा मैं दिखा दूँ यार एक बार कि मतलब अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे मैनेजेबल में सबसे ज़्यादा पसंद है सिर्फ कैरेटिन करवा के बाल, और सेकेंड मुझे अपने आईब्रोज। सो इन लव, लाइक सो इन लव। ओके सो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हूँ एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। जसमीत, आज संडे है, आज जसमीत दी ना जो जसमीत के चैनल पे वीडियो लाइव जानी है। अगर तुम नहीं पता तो जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी यूट्यूब चैनल है यार, ए डिस्प्ले व्यू खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने के चैनल तो सबसक्राइब कर सकते हो। तो उन्होंने के चैनल पर अज एक बहुत वधिया डिश की वीडियो जानी सी, वो मैं एडिट नहीं की राती, तो मैं पहला वो एडिट करा और उस तो बाद मैं अपनी वाली एक वीडियो एडिट करनी है एंड देन या और तो बने फटाफट, मतलब मैं फटाफट काम निपेड़ा, मैं लेट ना हो जाऊँ। सो आई जस्ट कंप्लीट माई एडिटिंग एंड अभी क्या हुआ कि मैंने उन्हें कॉल किया एंड दे सेड कि अभी भी 1 आवर लगेगा निकलने में, तो 1 आवर उन्हें घर से निकलने में लगेगा एंड 50 मिनट्स और 40 मिनट्स और 30 मिनट्स डिपेंड ऑन ड्राइविंग, इतना टाइम लगता है बटाला से गुरदासपुर आने में। तो आई हैव मैक्स 1 आवर एंड 30 to 40 मिनट्स। तो इसमें मैं अपनी एक बेसिक मेकअप वीडियो शूट कर लूँगी कि मैंने एक बेसिक सा डेली वेयर मेकअप शूट करना है, और अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी भी मैं वो स्टार्ट करने लगी थी, तो बिफोर दैट मैंने एकदम ये रियलाइज़ किया कि मुझे ना लास्ट वीडियो में भी क्या हुआ था, मैं स्किन केयर नहीं मेंशन कर पाई। जब क्या होता है हम मेकअप वीडियो शूट कर रहे थे, वो स्किन केयर में अगर मैं उसे स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता है। और आपको जब मैंने लास्ट टाइम बताया था एक्ने से रिलेटेड, उसके बाद मुझे बहुत सारे DMs आए थे कि मैम एक्चुअली दिस प्रोडक्ट वर्क्स। तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने पर्सनली DM किया था। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है पर्सनली भी DM कर सकते हो। सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट चेक करती हूँ, बट मैं चेक कर लेती हूँ। ओके सो अब क्या जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जो मेरे तो एक्ने की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो चुकी है। यू कैन चेक, नो मेकअप, नो फिल्टर, नथिंग। और अब मेकअप के बाद क्या था, जो मुझे था ग्लो प्रोडक्ट, लाइक आई रियली नीड अ ग्लोइंग प्रोडक्ट जिससे मेरे फेस पे ज़्यादा ग्लो आना स्टार्ट हो, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो या और अगर आपको मेरी एक्ने वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ कहीं मैंने आई बटन में लिंक दे रखा होगा, गो एंड चेक, सो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। ओके लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मैंशन किया था कि क्या होता है हमारी स्किन को, जितनी मर्जी हमारी स्किन पर प्रॉब्लम हो, उसका मेन रीज़न है हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए प्लस पानी। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, काफ़ी लोगों ने इसका भी लिंक मांगा था, इस बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैं बार बार भूल जाती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देना। पानी की जितनी क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे ना, आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आपके पेट की प्रॉब्लम हो, आपके स्किन की प्रॉब्लम हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कुछ भी हो, मतलब वो प्रॉब्लम सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर पानी का लेवल आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में हाई रखोगे। ओके बट क्या होता है हम हेल्दी भी खा लेते हैं, हम पानी भी काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, तो भी कई बार हमारी स्किन को वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाती। सो फॉर दैट यू रियली नीड अ गुड स्किन केयर। सो फॉर दैट आई यूज़ 10% सीका ग्लो सिरम एंड नॉट ओनली सिरम, मेरे पास इसकी फुल रेंज है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम वाई डर्मा को, आप इतना डर्मा को क्यों यूज़ करते हो? बिकॉज गाइज डर्मा को ना एक नॉर्मल स्किन केयर रेंज है, इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर मैं कहती हूँ तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में तो यहाँ पे थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना, ये ना बाद में आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसको ब्लेम करें। सो हमेशा इवन किसी भी प्रोडक्ट को आप नया स्टार्ट करते हो तो हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर किया करो। सो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इससे क्या होता है, इससे जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। बस में एक पॉइंट होता है कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी होती है प्रोडक्ट यूज़ करने के बिल्कुल ही बाद, और स्पेशली अगर आप एक कदम भी घर से बाहर रख रहे हो। 3 to 5 drops of serum on your entire face and neck, massage it gently. This product contains cica extract. It has great moisturizing property. This serum made with fragrance-free formula absorb in no time and make the skin feel supple and glowing. So face serum के बाद मैं use कर रही हूँ 5% Cica Glow डेली फेस मॉइस्चराइज़र। गाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आप इसे एवरी डे यूज़ कर सकते हो। एंड चेक, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि आई एम नॉट सो इनटू मेकअप, बट मुझे स्किन केयर एंड ग्लोइंग स्किन केयर हो तो आई जस्ट लव इट। एंड जब से मुझे ये प्रोडक्ट मिला है ना, ट्रस्ट मी, ये आज तक के मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है फॉर ग्लोइंग स्किन। फेकली हम मेकअप में काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बट नेचुरली वो चीज़ आना आप डायरेक्टली देख सकते हो। हल्का हल्का ब्लश, मतलब आफ्टर दिस मॉइस्चराइजर, एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन यूज़ देयर फेस वॉश एज वेल। So now it's the time for bonus point. If you guys want 20% off, use my coupon code and you get it. और ये प्रोडक्ट Amazon, Nykaa एंड Flipkart पे भी अवेलेबल हैं, बट आई गेस वहाँ पे मेरा लिंक अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ उनकी वेबसाइट से अगर आप बाय करोगे ओनली देन। एंड गाइज द बेस्ट पार्ट जो मैं आपको ऑलवेज ऑलवेज अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट डर्मा को से बाय करते हो, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू द चाइल्ड दैट दे गोना हेल्प, एंड दे एम कि वो 10,000+ स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे अक्रॉस द ईयर। एंड दिस इज रियली रियली गुड, मतलब पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो ये था मेरा नो फिल्टर नो मेकअप। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देखी होगी तो इस चेन को बनाते हैं, क्लियर स्किन लाते हैं। ओके सो वाओ, इस चेन को बनाते हैं एंड क्लियर स्किन लाते हैं। नाइस एकदम एकदम ऐसे हुआ है, हाँ कोई प्लान नहीं था इसका। ओके सो अभी मैं मेकअप वीडियो स्टार्ट करूँ, अदरवाइज ये ना हो कि वो यहाँ तक पहुँच जाए और मैं ही लेट हो जाऊँ। और मेकअप वीडियो मिस मत करना, मतलब 5 स्टेप मेकअप होगा, जब ऐसे करना होगा कि अब मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगी, सो मैं 5 स्टेप मेकअप शूट करूंगी। फॉर दैट चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट कि आप जल्दी जल्दी वो वाली वीडियो देख लो। आई गेस वो इस वीडियो से एक वीडियो छोड़ के नेक्स्ट 1, 2, 3 मतलब 3rd वीडियो आ जाएगी। 3 दिन बाद सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय। 1 eternity later कि मैं टाइम तो हमेशा लेट होंदी हुंदी हाँ, तो मैं हाले भी काफ़ी कम कर रही बट स्टिल वो लोग हम निकले ने उतों तो अं चले थोड़ा जो समान लैना सी, फिर अं सोचे कि हम समान लैके उन्होंने गड्डी च रख लांगे तो इतों इत्थे मतलब ऑन द वे ही चल जाएंगे। ऑन द वे जावांगे मतलब मैं तेरी गल नहीं सुनी चंगी तरह, बस ऑन द वे मैनूं चेता आया लास्ट मिनट तो मेरी गल सुन दे कदम नहीं मैं ड्राइव करना कोना एकदम कोई चीज आ रही थी मैं ध्यान ना दा चला रही गड्डी एदा एग्जांपल दवा एक तू मेरा लास्ट की कीता सी आई डोंट नो मैं के व्लॉग दी याद आ सलवार वाली गल ए मेरी गल कदी ध्यान ना नहीं सुनदे। मैं इन्हां नु किया कि जसमीत मेरे ते खुले वाल सोने लगदे हैं या पोनी, ते उस टाइम जीजी ने मेरी ना सलवार पहुंचे तो फड़ी हुई सी, ते मैं जीजी नु कही जीजी मेरी सलवार छड़ दे, ते फोन ते लगी सी मैं कहा जसमीत दसो कहंदे ते सलवार वधिया लगदी। हां हां ये काम आज तक नहीं हुआ, ये बच्चा कैसे शांत रहा है और इवन हंस रहा है ये पास आके। कबीर वो थोड़ा हां कोल कोल मिल गया ये बंदे बाबा चंद लपटे ये अपने लगन दे ए ब्लेस यू हेलो कह रहे हेलो 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 आ बड़ा सही पोज आ आप पोज वधिया है कबीर सुपरमैन तू तो सुपरमैन बनया पिया वा आ जा जीजू नाल ही उठ गई चलो जी इधर जान दी गल ते करो हां एंद पाण दे बटाले ले जाने ताणी है ना एक बार भी भाई कबीरू बोई बोई हिचकिया लग गया न भाई भाई हुन ठीक हो गया सी हां हुन सही हो गया ना मस्त हो सो चेंज कर लिया सी ते एंड महारानी पकड़ तेरा बेड़ा कर दे कैमरा देते जी जी पूंछ साइड करोगे प्लीज जैसे की करन दिता अच्छे बैठते ना कुछ करी। ओके बहुत ज़्यादा सी फन किया, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आपां थोड़ा ना यू क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना हुंदा है ते ना रिकॉर्ड नहीं किया। तो आके सब तो पहला मैं जसमीत की वीडियो लाइव की जो मैं सवेरे एडिट कर रही थी, मैं वो थंबनेल सैट करना ही भुल गई, मतलब मेरे दिमाग से ना वीडियो निकल गई तो हुण वो वीडियो ना लाइव जा चुकी है। और अगर तुहाडे चों भी किसी ने हाले तक जसमीत के चैनल नूं ना फॉलो नहीं किया तो मैं एक मिनट चैनल दिखानी हाँ। यह है जसमीत का चैनल एंड 2 वीडियोज़ जसमीत के चैनल पर आ वाली नूं काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल चुके हैं तो यह वाली है जो मैं हुणे लाइव की है, तुसी इनू भी अपना प्यार शो कर सकते हो। और कुकिंग सीखनी है तो डेफिनेटली फॉलो करो और शेयर भी करा करो, और मेरा अकाउंट भी अच्छे इनू भी कर लो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। नो आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और आपको मतलब वीडियो का कोई एक भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा हो कि हाँ यार कुछ रिलेटेबल है तो आप ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और मैंने अब एक चीज़ और स्टार्ट की, मतलब ये मैं ना काफ़ी टाइम से स्टार्ट करना चाहती थी बट मैं जब वीडियो के एंड तक आती तो मैं भूल जाती थी, वो ये है कि अब मैं वीडियो में एक लास्ट नेम लिया करूँगी, जो नेम मतलब कमेंट में गया है कि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि मैम हमारा नेम लेना। सो जिसका फर्स्ट नाम आज मैं फर्स्ट टाइम पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर ले रही हूँ वो है इट्स जन्नत वडांच फ्रॉम बाजपुर। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनका नाम लिया जाए एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी दिस मच। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नाम मतलब नाम एंड स्क्रीनशॉट देन प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छे अच्छे कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं। बेशक मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ पर जिनके भी कर पाती हूँ कमेंट में एक बार सारे देख लेती हूँ, मतलब थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आई थिंक ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है बट ट्रस्ट में बहुत मज़ा आया। और बस अभी मैम ना कॉल करके लास्ट उन्हें पूछने लगी हूँ कि वो पहुँच गए हैं सेफ़ हैं, एक बार होता है ना घर पहुँच जाए। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन यू गाइस टेक केयर, लव यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाँ जी भाजी पहुँच गई सी।